कॉम्परेटर में हमारा अगला मेजरिंग डिवाइस है जॉनसन माइक्रोपेटोर कॉम्परेटर। इसके पहले हम लोग डायल इंडिकेटर पढ़ चुके हैं जिसका नोट्स मैंने दिया हुआ था। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कॉम्परेटर का देख लेते हैं। कॉम्परेटर देखिए नाम से पता लग रहा है कि कुछ कंपेरिजन टाइप का हो रहा है। कॉम्परेटर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। जब भी मास प्रोडक्शन होता है तो एक एक प्रोडक्ट का डायमेंशन चेक करना फिजिबल नहीं होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, लेकिन उनके डायमेंशन को मेजर करना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट को प्रेफर करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट के सिमिलर ही होता है। हमारा ये एम होता है प्रोडक्शन में कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग हो, एकदम उसी की तरह बने। लेकिन डायमेंशन में वेरिएशन आता है तो इसको चेक करने के लिए हम कॉम्परेटर्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि कॉम्परेटर को पहले स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो आउटपुट प्रोडक्ट है उसके डायमेंशन को चेक करते हैं कि कितना वेरिएशन आ रहा है। अगर वेरिएशन एक स्पेसिफिक रेंज में है तो एक्सेप्टेड है, जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेड है। अगर जो डायमेंशन में वेरिएशन है वो रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये था हमारा कॉम्परेटर। अब जॉनसन माइक्रोकेटोर को देखते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंटर होता है जो कि रीडिंग स्केल पर डिफ्लेक्शन दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। वो ट्विस्टेड स्ट्रिप से अटैच होता है। ट्विस्टेड स्ट्रिप का एक सिरा फिक्स होता है जो कि कैंटिलीवर स्ट्रिप इसको कह सकते हैं, और एक सिरा बेल क्रैंक लीवर से अटैच होता है, ये इसका मूविंग पोर्शन होता है। बेल क्रैंक लीवर फर्दर एक प्लंजर से जुड़ा होता है, और प्लंजर जो है वो वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करने के लिए फ्री होता है। स्लिट वॉशर जो है इसको लूज करके या टाइट करके हम जो वर्टिकल और अपवर्ड मूवमेंट है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका सिंपल फिगर है, अगर एग्जाम में आता है तो यही फिगर आप बनाइएगा। वर्किंग इसका थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो प्लंजर है, मान लेते हैं कि पहले प्लंजर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जब प्लंजर डाउनवर्ड मूव करता है तो बेल क्रैंक लीवर का जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो इससे जो बेल क्रैंक लीवर का वर्टिकल वाला पार्ट है वो लेफ्ट में थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो जो ट्विस्टेड स्ट्रिप है वो थोड़ी सी कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने से पॉइंटर जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब रीडिंग स्केल पे हम जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ऐसे ही मान लेते हैं कि प्लंजर अब अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जब अपवर्ड मूव करेगा तो जो बेल क्रैंक लीवर का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो भी थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, इससे जो वर्टिकल पोर्शन है बेल क्रैंक लीवर का वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे जो ट्विस्टेड स्ट्रिप है वो थोड़ी सी एक्सपेंड करती है, तो पॉइंटर हमारा राइट की तरफ रीडिंग शो करता है। ये इसका वर्किंग है। एडवांटेजेस इसके क्या है कि देखिए ये एक बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस है, छोटा होता है और हल्का भी होता है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल होता है। कॉस्ट बेस की कंपेरेटिवली और जो कॉम्परेटर है उनके कंपेरिजन में कम होती है, और ये कम्प्लीटली मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, मतलब कोई भी सप्लाई हमको बाहर से नहीं देनी पड़ती है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। स्केल इसका डायरेक्ट में स्केल जो है वो डायरेक्ट रीडिंग देता है, फर्दर किसी हमको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेशन क्या है इसकी, देखिए इसमें कई सारे कनेक्शन हैं, जैसे कि जो हमारा ट्विस्टर स्ट्रिप है वो बेल क्रैंक लीवर से जुड़ा है, फिर पॉइंटर से जुड़ा है, बेल क्रैंक लीवर हमारा प्लंजर से जुड़ा है, तो इसके कारण कई सारे यहाँ पे मूविंग पार्ट्स हैं। तो
जब भी मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन के कारण जो इसकी एक्यूरेसी होती है उसमें